सवालों के जवाब यूपी की इस उड़न परी से लेंगे जो हमारे साथ इस वक्त भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधा जी, भारत समाचार में आपका बहुत स्वागत, और मैं सबसे पहले सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि एक ग्राउंड यानी कि एक गांव के ग्राउंड से शुरू हुई दौड़ और आज सिल्वर मेडल तक पहुंचना, यहां तक के सफर में कितने सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, कितना संघर्ष करना पड़ा, और कैसे आपने इतने संघर्ष करके यहां तक पहुंची, आज कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, संघर्ष तो हर जगह है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा संघर्ष है, क्योंकि ये आपका शरीर है जो एक एक टाइम में, ये नहीं कि आज क्या होगा कल क्या होगा, ये बॉडी है, कभी हमें फीवर हो जाता है, कभी हम लोग इंजरी हो जाते हैं, तो हम लोग ये सब संघर्षों से, ये भी अगर हमें इंजरी हो जाता है उसमें भी हमें फुल टेंशन रहता है कि आज ये कब तक सही होगा, ये कब, अगर कंपटीशन आ जाता है तो उसमें भी हमें बहुत टेंशन होता है, तो ये सब एक हमारा जो स्पोर्ट्स लाइन का है, और हम इससे हम लोग ज़्यादा ही, मतलब जैसे एक टेंशन से हम लोग निकल के फिर हम लोग मेडल देते हैं इंडिया के लिए, अपने अपने इंडिया, अपना यूपी, अपना जनपद के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। यानी जब विदेश में कहा जाता है सुधा सिंह फ्रॉम इंडिया, कैसा लगता है? वो बहुत ही बहुत बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं रहता है। जब हम लोग या कोई भी ऐसा एथलीट है जो जब वहां जाके हम लोग तिरंगा फहराते हैं तो वो एक मोमेंट ही अलग रहता है। जब आपने गांव में बचपन से एक प्रैक्टिस दौड़ने की शुरू की, तब आपके परिवार का, आपके आसपास के लोगों का, आपका कैसा रिएक्शन था एक लड़की होने के नाते? क्योंकि एक लड़की जब कुछ अलग चुनती है तो बहुत रिएक्शन देखने को मिलता है। नहीं, हमारे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट है, और जैसे कि हर जगह होता है कि घर वाले सपोर्ट करते हैं तो अगल बगल वालों भी नहीं करते, लेकिन ऐसा हमारे जो हमारे आस पड़ोस वाले भी हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन लोगों को भी, उन लोग ने कभी ये नहीं बोला कि इन्हें घर पे रखो या ऐसा करके, उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया है। वो लोग भी मुझे वेट, जब मैं कहीं जीत के आती हूँ वो सबसे पहले भाग के आते हैं, चाहे घर वाले पहले भाग पीछे हो जाते हैं, तो हमारे घर से और पड़ोस बहुत ही सपोर्ट है। और जैसे कि बताया आपने, मैं 2002 से ऐसा करके उन्होंने करियर का 2002 से आपने शुरुआत की और मेडल्स लेते लेते 2018 तक ये उपलब्धि। 2002 पहले मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ही, मैं कभी ट्रेनिंग सिर्फ वहाँ पे ही एक टाइम पे जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए, और फिर जाने के लिए भी हमारा स्टेडियम जहाँ मेरा घर है 5 किलोमीटर है, तो मुझे जाने के लिए भी प्रॉब्लम तो रहते थे, जैसे कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो हमारे घर में सबको साइकिल है, क्योंकि इतने भी सब लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो हम लोग, फिर मुझे कोई भी लड़की छोड़ के आती थी, फिर जो भी प्रैक्टिस करने जाते थे मैं उनके साथ में जाती थी, फिर वो भी थक जाते थे, क्योंकि मैं तो सिर्फ 1 घंटे ऐसे इंजॉय के लिए भी जाती थी, तो वो लोग सीरियस ट्रेनिंग करते थे, फिर वो लोग बोले मैं नहीं चला सकती हूँ, फिर तुम अपना सीखो, फिर मैं पहले तो मैं ट्रेनिंग के बजाय मैं साइकिल सीखने की कोशिश की कि उसके बाद मैं खुद चला के जाऊँ जा सकूँ, तो फिर मैं, मेरे पापा मुझे साइकिल ला के दिया, फिर मैं घर में ही गिरते चला के, फिर मैं अगर 5 किलोमीटर जाती थी तो मैं 1 घंटा पहले निकलती थी, कहीं ट्रैफिक आएगा तो मैं रुक के जाती थी कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं उधर, तो ये सब करके फिर मेरा लखनऊ हॉस्टल में हो गया, फिर मेरे इजी हो गया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का बढ़ावा देते ही हैं, मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस करो, फिर स्कूल्स जाओ, फिर इवनिंग में आके प्रैक्टिस, यहाँ से ही मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया। और मैं जब से हॉस्टल में आई, मैं पहली एथलीट थी कि नेशनल में फर्स्ट पहले ही साल में आके मैं मेडल दिया, और मैं कंटिन्यू जूनियर नेशनल में हर बार कंटिन्यू हर ईयर में मैंने मेडल दिया, 2002, 2003, 2005 एशियन, 5 में एशियन क्रॉस कंट्री में जूनियर से गई थी, 7 में नेशनल गेम्स में पहला स्थान मिला आपको, 8 में सीनियर ओपन नेशनल में पहला स्थान आपने पाया, 9 में भी एशियन ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा स्थान आपको मिला, 2010 की बात करें तो एशियन गेम्स में आपने स्वर्ण पदक भी जीता है, तो अब तक आपने काफी उपलब्धि की है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैं बचपन में सिर्फ ऐसे ही चली जाती थी, शरारतीपन सुधा के अंदर रहा, मैं ये समझना चाहूंगी कि बचपन की वो शरारती जो सुधा, वो पढ़ाई से बचने के लिए जो दौड़ की प्रैक्टिस के लिए निकल जाया करती थी, आज वो जिम्मेदार सुधा कैसे बनी, और उसकी आंखों में देश के लिए पदक जीतने का सपना आखिर कब आया? देखिए, जब हम लोग जिस स्थान पे पहुंच गए हैं,
फिर मैं अपने लिए मेडल के नहीं सोचती हूँ, कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए कितना पूरे लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेडल, सभी लोग एक एक अपने घर में टीवी खोल के बैठे रहते हैं कि मुझे मतलब मेडल के लिए कि क्या होगा क्या होगा। वो हम लोग उस समय अपने लिए नहीं सोचते हैं, उसमें मैं अपने इंडिया के लिए सोचते हैं कि मेडल तो लेके ही जाना है, चाहे कोई भी मेडल हो, मेडल मेडल ही होता है, उसमें ये नहीं चलता है। सबका ख्वाहिश होता है कि गोल्ड लेने का, लेकिन हर कोई गोल्ड नहीं आ सकता, एक को तो सिल्वर और ब्रॉन्ज तो होता ही है। तो हम मैं भी इसमें सोचा था कि मैं गोल्ड, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी, कि मैं भी सोचा था कि मैं जो 2010 का है एक बार रिकॉर्ड ब्रेक करूं। मैं भी बहुत चीजें हम लोग जो सोचते हैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लाई, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना लॉन्ग अपना 2002 से या 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड लेके 2018 में मैं सिल्वर मेडल लिया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड लिया था, तब मैं 25-26 की थी, आज मैं 32 ईयर्स की हूँ, तो वो भी एक मेरे लिए चैलेंजेस था। बहुत लोग ने बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी एज हो गई है, तो मुझे उन लोगों को भी प्रूव करना था कि एज नहीं, 35, बाहर के लोग 35 में ही इंडिया रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सब भी चैलेंजेस जिसने बोला, उन सभी का मोटिवेट भी मुझे काम आया, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। सुधा जी, जब ये सिल्वर मेडल मिला, कहीं ऐसा लगा कि थोड़ी सी और मेहनत होती तो गोल्ड तक पहुंचते? क्या ये मन में थोड़ा अभी है? जी, ये अभी भी है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं मेहनत के ऊपर, जिस हिसाब से मेरा मेहनत था उस हिसाब से मुझे गोल्ड नहीं, इंडिया रिकॉर्ड भी करना था। बट होता है हमारा रेस में अगर स्लो फास्ट पिछले, तो वो रेस पे डिपेंड होता है कि कैसे जाता है, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं और जो ट्रैक में जाके होता बिल्कुल डिफरेंस होता है। रनिंग के लिए आपके अंदर संभावना देखकर रेलवे की नौकरी का भी आपको ऑफर मिला, और फिर नौकरी के साथ पदक जीतने की शर्त। क्या कभी आपकी उम्मीदों पर नौकरी हाथ से निकलने का कोई डर हावी हुआ? आखिर कैसे उससे दो दो हाथ किया उसे? जब मैं स्पोर्ट्स, जब मुझे रेलवे ने, जब मैं एशियन क्रॉस कंट्री चाइना खेल के आई, फिर मुझे डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराया मुंबई रेलवे, सेंट्रल रेलवे ने, फिर मैं वहां पे ज्वाइन हुई, तो फिर ज्वाइन होने के बाद मैं भी एक बार को सोचा मेरी नौकरी लग गई है, मैं छोड़ दी, मैं नहीं स्पोर्ट्स का, लेकिन हाँ, जो मतलब स्पोर्ट्स मैन ज्वाइन करते हैं वो कहीं ना कहीं दुविधा भरा जी समय आया। जो स्पोर्ट्स मैन ज्वाइन करते हैं वो 5 इयर्स का बॉन्ड रहता है, वो जो स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंडर में है तो कभी भी आपको निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, वो उनके अंडर में रहते हैं। फिर नहीं, उनको निकालना नहीं था, लेकिन बट वो एक बोला कि नहीं, उसमें हम लोग भी छोटे थे, इतना मुझे नॉलेज नहीं रहता, तो वो लोग बोले नहीं आपको निकाल दिया जाएगा अगर इस बार मेडल नहीं आया। फिर पहले मैं छोड़ दिया था कि मेरी नौकरी लग गई ऐसा करके, फिर जब मुझे निकालने के लिए बोला तो फिर मैं फिर से स्टार्ट किया स्पोर्ट्स, फिर मैं रेलवे में मेडल दिया, सेकंड प्लेस आई, मैं उसमें बहुत खुश हो गई कि अब रेलवे का कंपटीशन खत्म हो गया बस। फिर रेलवे का ट्रैक एंड फील्ड, क्रॉस कंट्री होता है फिर ट्रैक एंड फील्ड होता है, तो ट्रैक एंड फील्ड में हुआ तो मुझे कोई इवेंट नहीं मिल रहा था, 5000-3000 जो मैं पहले इवेंट्स करती थी। फिर मुझे बोला गया ये एक इवेंट है 3000 मीटर स्टीपल चेस, ये करना है, मैंने बोला नहीं, पहले मैं जाके, क्योंकि उसमें हर्डल्स रहते हैं, वाटर जंप रहते हैं, उन सभी को देख के मुझे लगा नहीं मैं नहीं करूंगी, फिर मैं जाके बोलती मैं नहीं कर सकती है, फिर वो बोला नहीं करना पड़ेगा, ये रेलवे का ऑर्डर है, ऐसा करके फिर मैं किया, मैं 6th प्लेस आई, तो मैं ये था मुझे पॉइंट्स देना, 6 को पॉइंट्स मिलता है रेलवे में, मैं 6 ही आई। तो उसके बाद मुझे लगा सभी लोग बोले नहीं कर सकते, फिर मुझे भी लगा मैं यही इवेंट्स करूंगी। फिर 2006 के बाद मैं 2007 में 3000 मीटर स्टीपल चेस में नेशनल रिकॉर्ड किया, जब मैं नेशनल रिकॉर्ड किया तब मुझे लगा कि नहीं ये इवेंट्स को मैं कर सकती हूँ, तो 10:45 उसमें नेशनल रिकॉर्ड था, मैंने 10:18 किया था। फिर मैं इस इवेंट पे कंटिन्यू, फिर 2008-2009 में कंटिन्यू इसमें गोल्ड, अभी तक मैं मेडल लिया इसमें। बहुत अच्छा। मैं ये समझना चाहूंगी जो आपकी प्रैक्टिस, आपके खिलाड़ी के तौर पर आपकी जरूरतें, आपकी सहूलियत को लेकर खेल संघ या फिर फेडरेशन का सपोर्ट आपके लिए कैसा रहा? बहुत सपोर्ट रहा इसमें, ऐसा मैं ही नहीं, कोई भी एथलीट नहीं बोल सकता है कि इस बार हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, चाहे मिनिस्ट्री हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी का बहुत बहुत सपोर्ट था। इस कोई भी एथलीट को कहाँ जाना, कैंप आपको कहाँ चाहिए, समय पे आप बोला नहीं और एक हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाता था। जैसे कि मैं, हम लोग भूटान में थे, वहाँ पे स्टीपल चेस नहीं था, फिर हम लोग ने बोला 1 वीक में
भूटान में स्टीपल चेस मेरा जो इवेंट है वहाँ पे स्टीपल पहुँचा दिया सभी ने, तो वो एक सब बड़ी चीज़ है। पहले होता था कभी कभी, ठीक है हर चीज़ एक जैसे हर समय पे नहीं होता है। और मैं स्पेशली अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं राजवर्धन सिंह राठौर साहब, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर होके और इतना लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम मेरा इवेंट्स था, हर एक एक इवेंट्स में वो जाके खड़े होके देख के आके उधर बच्चों का, जो अगर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर खड़ा है तो उसमें एक बार और साहस आता है कि हमें करना है। जब वो भी ओलंपिक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में मेडल है तो हम लोग भी एशियन गेम्स है तो उसमें मेडल तो लाना ही है। और आके फिर वो वहां पे खड़े होके ग्राउंड के अंदर आके बधाई देना उसी समय, और फिर उसके बारे में पूरा पहले स्टीपल चेस मुझे बताना पड़ता था ये क्या है, हर्डल है, वाटर जंप है, वो आके डायरेक्ट पूछ रहे इतना दूर कैसे जंप करते हैं, तो बहुत। और जब मैं इंडिया में भी आई, पीएम मोदी जी से भी मिली, राजनाथ, तो वो मेरे इवेंट को मेरे जाने से पहले ही वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये चीज अच्छा लगा कि एशियन गेम्स वहाँ ग्राउंड में देख के फिर इधर आके उनको सब कुछ याद है कि ये चीज कैसे होता है। तो मेरे अनाउंसमेंट हुआ नहीं मेरा नाम तो वो खुद एक्सप्लेन करते थे ये वाटर जंप है, ये इतना जंप करते हैं, ऐसा करते हैं। तो बस मुझे उनको स्पेशली थैंक यू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वही रहे, अगर गवर्नमेंट भी चेंज होती है तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर राजवर्धन सिंह राठौर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि आपका जो हुनर है इसको नया आयाम देने के लिए आगे क्या कुछ प्लान है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो पिछले एशियन गेम्स में आप थोड़ा सा पदक से चूक गए, इस बार एशियन गेम्स में रजत पदक जीता लेकिन गोल्ड की जो इच्छा थी वो थोड़ा सा रह गई, तो आगे किस तरीके से प्लान होगा? देखिए मुझे आगे प्लान, जैसे कि मैं अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आई हूँ, जो मेरा डिमांड था, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए लेकिन बस मुझे अपना यूपी में डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट चाहिए स्पोर्ट्स में, जिससे कि मैं आगे आने वाले जितने भी एथलीट हैं, जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं, मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ। अगर बहुत विभाग हैं, अगर मैं दूसरे विभाग में जाके मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी जो मैं स्पोर्ट्स मैन होके, फिर क्या फ़ायदा मैं इतना लाइफ टाइम स्पोर्ट्स करके अपना यूज़ नहीं, अगर यूज़ नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं बोल के अभी मैं आई हूँ, उन्होंने बोला भी है आपको हम जल्द से जल्द ज्वाइन कराएंगे डिप्टी डायरेक्टर। तो वो जब मैं ज्वाइन करके फिर मैं चाहती हूँ मैं हर स्पोर्ट्स मैन को जो चीज़ मुझे नहीं मिली है, जो चीज़ मुझे कमी हुई है, अभी नहीं अभी मिल रही है, जो पहले से कमी हुई है, जब वो छोटे से ही स्पोर्ट्स स्टार्ट करें तो वहाँ से हम लोग उनका सपोर्ट करें। जब हम छोटे से स्पोर्ट्स उनको सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, अगर जब वो बड़े हो जाएंगे फिर इसीलिए हम लोग मेडल में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। हम लोग 10th 11th में आके स्पोर्ट्स करते हैं, फिर आते आते हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है, और नहीं भी खत्म हो जाता है तो सब लोग बोलते हैं खत्म हो गया जो अभी मुझे बोल रहे हैं। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए, ये चीज मैं नहीं आने दूंगी अगर मैं डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट आके ज्वाइन करती हूं। यानी कि सुधा सिंह को पता है कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं क्योंकि उन्होंने झेला है, वो नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी अगर जो इस फील्ड में रुचि रखती है उसको वो समस्याओं का सामना करना। जी जी जी। और मेन है आप सभी को ही पता है कि स्पोर्ट्समैन अगर खास कोई भी स्पोर्ट्समैन हो इतना भी बड़े घर से नहीं आता है कि अगर देखिए एथलेटिक्स ही है, एक एक हमारा जो हम रनिंग करते हैं शूज है, स्पाइक्स है, सब 10,000 9,000, तो इतना भी किसी के घर वाले नहीं दे सकते, उनकी सैलरी इतनी होती है। तो हर चीज मैं चाहती हूँ कि अगर वो लोग नहीं कर सकते हैं, अगर मैं इस विभाग में आके मैं खुद उनका सपोर्ट करूंगी और खुद अपना पैसे से मैं एक एक चीज, एक नहीं एथलेटिक्स ही नहीं, मैं सारे इवेंट का सपोर्ट करूंगी। वही मैं जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि हर किसी शख्स का जिंदगी का एक अपना सपना होता है। आज लोग आपको रोल मॉडल मान रही हैं बेटियां, हर कोई चाहता है कि मैं सुधा सिंह बनूं, कितना मुश्किल है और आसान कैसे होगा? देखिए मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती है, अगर आप ठान लें कि अगर मुझे करना है तो सब मुश्किलों से भी सब आसान हो जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों का मेरा है अभी मैं जाके अपना रायबरेली में एक एकेडमी करूँ। मैंने जो मैं सोचा रखा, मैं डिस्ट्रिक्ट से नहीं, मैं एक गांव-गांव से लड़कियां या लड़कियों को लेके आऊं, क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट मीट करते हैं तो दो आते हैं, तो जो गांव के लोग हैं वो लोग तो आ ही नहीं पाते हैं, तो उनको लाने के लिए अगर हम मैं खुद
क्योंकि दूसरों के लिए नहीं, अब मुझे खुद को जाना पड़ेगा वहां पे, अब खुद जाके कंपटीशन को देख के करके दो दो को हर एक एक गांव से लाना पड़ेगा। अपने इंडिया में सब बोलते हैं मेडल क्यों नहीं आते हैं, मेडल क्यों नहीं आते हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे भी दो हाथ पैर हैं, उनके भी दो ही हाथ पैर हैं। तो ये चीज अगर सोच ले एथलीट तो कुछ ऐसा कठिन काम नहीं है। तो मेरा तो मैं उन लोगों को वहां से लेके फिर एक महीने दो महीने कैंप करूंगी अपना एकेडमी में, फिर उन लोगों को फिर वहां से फिर एक ट्रायल लूंगी, फिर उनको फिर उनके लिए सपोर्ट करूंगी कि वो क्या चीज मतलब कौन से इवेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे हर जगह, अगर अपने ऑल इंडिया में ऐसा होने लगे तो मेडल हमारे इंडिया के ही सबसे ज्यादा आने वाले ओलंपिक्स में। जैसा कि आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मेडल नहीं आया लेकिन उस ओर ध्यान नहीं देते, क्या लगता है कि पहले के दौर में खेल और खिलाड़ियों को लेकर आम लोगों के अंदर का रुझान और आज के दौर में उसमें कुछ बदलाव नजर आता है आपको? हाँ देखिए, पहले मैं खुद अपना एक्सपीरियंस, जैसे जाती थी खेलने के लिए तो मेडल सोच के नहीं, यहाँ पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ ये चीज रहता था मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस। लेकिन अभी जाते हैं तो पार्टिसिपेट नहीं, मेडल ही लेके आना है, चाहे कोई भी मेडल लेके आना है, लेकिन अपने जब मैं हम अपनी इंडिया आए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो ये चीज मेरे ही अंदर नहीं, सभी एथलीटों के अंदर है। और जब इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे भी लगता है कि मेडल तो आना ही चाहिए। और जैसे कि गवर्नमेंट ने टॉप स्कीम किया है, जितने भी अच्छे एथलीट हैं उनको 50,000 पर मंथ, तो इतना अगर पहले ये सब स्कीम नहीं थी, जब से राठौड़ साहब आए हैं तब से ये सब स्कीम स्टार्ट हुई हैं, 50,000 भी कम नहीं होते अगर एक आप एथलीट को दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सब जो सुविधा मिल रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मेडल लाने के लिए, तो हमें उसका गवर्नमेंट का या इतने लोगों का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एशियन गेम्स में अगर हम बात करें सुधा जी, तो भारत ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी भी चीन हो, जापान हो, कोरिया हो या ऐसे देश हैं जो हमसे आगे हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन में एक मुकाम हासिल करने के लिए और क्या अभी बाकी है और क्या हमें करना चाहिए, आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? देखिए, आप जैसे बोले कि वो लोग हमसे आगे चाइना, तो मैं वही चीज बोलना चाहूंगी, वो लोग हम लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा बड़े हो जाए तो ये क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, कुछ पता नहीं। उन लोग का ये नहीं है, जो है आप जब वो 3 साल के हो जाते हैं, 2.5 साल के, तब से वो लोग उसी लाइन में भेज देते हैं कि आपको क्या करना है, कौन से इवेंट्स करना है, जिम्नास्टिक करना है। तो आप अगर छोटे से उनको उस लाइन में डाल दिया तो आगे कैसे ओलंपिक्स में मेडल नहीं आएगा। तो यही चीज मैं अपना इंडिया में भी चल रहा है, खेलो इंडिया खेलो अपना चल रहा है, लेकिन और भी सपोर्ट की जरूरत है, जो अंदर एक एक गांव से जाके निकल के लाना है। क्योंकि ऐसा नहीं, हम अगर हम उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट से अगर निकल के आ रहे तो हमसे भी अच्छे लोग, हमसे भी अगर मैंने एशियन गेम्स में मेडल दिया है क्या पता वो ओलंपिक्स में मेडल दें, अगर हम उनका हुनर देख के और उनका सपोर्ट करें तो। और ये हम एक मेरा ही नहीं, सभी एथलीट जितने भी कोचेस हैं एक एक स्कूल्स में उनको भी देखना पड़ेगा। आप स्कूल से ही तो सब निकल के आते हैं, जैसे मैं स्कूल से निकल के आती हूँ, तो हर एक स्कूल में भी बोलना पड़ेगा आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दीजिए, पढ़ाई भी देना है पर स्पोर्ट्स अगर करते हैं उनको पूरा सपोर्ट करिए तो मेडल हमारे ओलंपिक्स में आएंगे। यानी हमें अगर उसी रेस में आगे बढ़ना है, उनको पीछे करना है, तो कुछ नया करने की जरूरत है। बचपन से ही देखना होगा कि कौन सी प्रतिभा किस बच्चे में छुपी हुई है। जी 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 जी, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाना होगा। जी जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देश की जो बेटियां हैं, समाज में तमाम बंदिशें, खासकर जब बेटियों की बात होती है तो बहुत ही नजरें भी बदलती हुई समाज की नजर आती हैं। बंदिशों को तोड़कर दहलीज से निकलने और सफलता के आसमान में बुलंदी के झंडे बेटियां गाड़ें, इसके लिए देश की बच्चियों और आम लोगों के लिए आपके पास क्या एक मैसेज है और क्या ऐसा सुधा सिंह के पास जो कि कुछ अलग होगा और सिर्फ उनके लिए होगा? मैं बस इतना कहूंगी, जो भी लड़कियां हों या चाहे लड़के हों, कि मैं दोनों को बराबर रखते हुए बोल रही हूँ, वो जिस लाइन में जाना चाहते हैं आप उनका सपोर्ट करो। ऐसा नहीं कि आप, अगर वो पढ़ना चाहता है आप जबरदस्ती उसको स्पोर्ट्स में नहीं डाल सकते हैं। तो एक वो भी लाइन है कि आप, बस ये है कि उनके माँ बाप को उनका हुनर पहचानना है और उनको सपोर्ट करना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है अपने बेटियों का
फुल सपोर्ट करें, उनके आगे बढ़ने का मौका दें। अगर नहीं है, हम लोगों को देख के सब बोलते हैं कि ठीक है पढ़ने से ही नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में भी आप देख रहे हैं। तो अच्छा जॉब अगर आपको स्पोर्ट्स करने भी में मिल रही है तो आप ठीक है, जॉब के लिए सब ट्राई करते हैं कि हमें डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। तो मेरा ये कहना है कि अगर स्पोर्ट्स में भी सब अच्छा पोस्ट गजेटेड पोस्ट सबको मिल रहा है तो स्पोर्ट्स में भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर मेरे घर में भी लोग हैं, मेरे भाई की बेटी, मैं उसको बोलती हूँ स्पोर्ट्स करना, मेरा बहुत है कि मैं इसको स्पोर्ट्स ही कराना है, बट वो हमेशा बोलेगी डॉक्टर बनना है। तो फिर ठीक है, उसका हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट हमें करना पड़ेगा। तो हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि उनका, हम बेटी हो या बेटा हो, उनको सपोर्ट करें आप। बचपन में सुनने में आता है कि सुधा सिंह ट्यूशन जाने से पहले 10 मिनट पहले घर से निकल जाया करती थी दौड़ के लिए, क्या वो पढ़ाई का डर आज यहाँ तक लेकर आया? हाँ, यही बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने से बहुत टेंशन, पढ़ाई तो ठीक है बट हमारे ट्यूशन से बहुत टेंशन ही रहता था मुझे। तो फिर मैं जब आने से पहले ही निकल जाती थी, एग्जाम भी होता था, तो जब मेरा हाई स्कूल का एग्जाम, मैं हाई स्कूल के बाद स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है, तो जब मैं घर से मैं जाती थी अपना स्पोर्ट्स करके आती थी, तब तक ट्यूशन वाले 2-3 ऐसे बैठे ही रहते थे, बोलते थे आगे, तब तक पढ़ाने के लिए वेट करते थे, तो वो घर के ही थे। फिर मैं वहां से निकलने के लिए हमेशा कोशिश करती थी। फिर जब हाई स्कूल का एग्जाम आया तो पढ़ाई के लिए बोले, तो बोले इस बार तुमको तो फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब मैं पास हो गई तो उनको वो भी टेंशन में पास कैसे हो गई। तो बोले क्या लिख के आया, क्या लिख के आई थी कि तुम पास हो गई? मैंने कहा मैं लिख के आ गई थी। ये जो सुधा सिंह में सबसे कुछ अलग दिखता है कि पढ़े नहीं, परिवार को भी अचंभा हुआ कि कैसे क्या कुछ लिखा, और ये जो अलग प्रतिभा की 10 मिनट पहले दौड़ के लिए निकलना, पढ़ाई से भागना, और उसके बावजूद भी एक पढ़ाई का लेवल भी मेंटेन करना, और अपने हिसाब से जो फील्ड चुना उसमें भी बेहतर करना, कैसे? कैसे, बस मैं जैसे कि हमारे, अब देखिए ग्रास ग्राउंड से जो हमें सपोर्ट किया है, बिना सपोर्ट के भी कुछ, जैसे मैंने बोला माँ बाप का सपोर्ट, फिर वहां से जब दूसरा जगह जाएंगे वहां भी सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे, मैं लकी या भगवान का जो भी कृपा, मुझे हर जगह जगह सपोर्ट मिलता गया। तो अगर मैं हॉस्टल में गई, पहले मुझे ग्राउंड से निकाल के मुझे हॉस्टल में लेके गए, फिर वहां से जो कोचेस हैं, तो कोचेस का बहुत हाथ है। फिर मैं अपना इंडिया कैंप में गई, इंडिया कैंप से फिर रशियन कोच थे, अभी लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं इंडियन कोच सुरेंद्र सिंह के पास ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो कोचेस, हर कोचेस का सपोर्ट मिलता गया, बाहर के भी कोच मिले, इंडिया के भी कोच, सभी ने इतना सपोर्ट करके मुझे आज ये मेडल मिला है। या मैं कंटिन्यू कोचेस ने सपोर्ट किया तो मुझे कंटिन्यू मेडल इसीलिए आता गया। और प्लस मेरा, हमारा जो मेहनत है, क्योंकि अभी मैं खुद घर 2 साल के बाद आ रही हूँ, तो हम लोग छोड़ के भी अगर ऐसा है कि 1 वीक अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ तो मेरा 1 मंथ बैक हो जाता है। तो ये भी हम लोग के लिए बहुत चैलेंजेस रहता है कि फीवर तो फीवर है, कुछ तो होता ही है, बॉडी है हमारा, कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड होता है फिर भी हमारा ब्रीदिंग रनिंग में प्रॉब्लम होता है, तो हर चीज हमें बचना पड़ता है। अगर कॉम्पिटिशन पहले हो जाता है तो आधा टेंशन तो यही हो जाता है कि पहले क्यों हो गया। और जैसे कि अभी है कि एशियन गेम्स के बाद मैं गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उधर मेरा फर्स्ट वाटर जम में ही पैर खिंच गया, अभी तक भी पेन है कि अभी अगर एशियन गेम्स होता तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तो अगर यही मैं सोच रही थी, भगवान को ये भी थैंक यू कर रही हूँ कि अगर मैं अभी कॉम्पिटिशन होता एशियन गेम्स तो मैं नहीं कर सकती थी। तो हर चीज़ होता है, उतार चढ़ाव, और बस यही सब बातें हैं। एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, कहा जाता है कि जब कोई हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जब एक प्रोफेशनल लाइफ हम चुनते हैं तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, क्या सुधा सिंह ने वो उन दोनों लाइफों को जिया या फिर सिर्फ नहीं, बस एक ही लाइफ है स्पोर्ट्स, क्योंकि एथलेटिक्स इतना भी आसान चीज नहीं है कि हम लोग इंजॉय करके करें, क्योंकि हमें सुबह सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर रोड में दौड़ना है, क्योंकि मैं 42 किलोमीटर मैराथन भी करती हूँ, 3000 मीटर स्टीपल चेस भी, तो अगर लॉन्ग रन करना है तो रोड तो खाली नहीं रहता है, अगर हम लेट में गए तो फिर पूरा बस ट्रक सब चलने लगते हैं। तो हम लोग सुबह 3:30 बजे उठ के जाते हैं रनिंग करने के लिए, फिर आके 6 o'clock से 3-3.5 घंटे रहते हैं, जैसे 40-45 किलोमीटर भी रहता है मॉर्निंग में एक टाइम का प्रैक्टिस कंटिन्यू, तो इवनिंग में टोटल हमारा माइलेज 280 किलोमीटर
वीक का जाता है। तो ये सब सब चीजें हैं, काउंट होती हैं, कि ऐसी आसान चीज नहीं है कि कोई चीज आसानी से मिल जाए, लेकिन ये है कंटिन्यू ट्रेनिंग। ये हमारे जितने भी एथलीट हैं, अगर स्पोर्ट्स करते हैं तो एक गैप नहीं करना है। अगर आज किया फिर वन वीक नहीं किया, या दो दिन नहीं किया, वो भी एक बड़ी चीज है। दो दिन भी नहीं, अगर मैं दो दिन भी प्रैक्टिस नहीं करूं तो ऐसा लगता है कि मैं जो एक साल भर किया ऐसा लगता है कि मैं अनफिट हो गई। तो चाहे जॉगिंग वॉकिंग, लेकिन कंटिन्यू रहना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आगे का लक्ष्य गोल्ड? अभी फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप है 2019 में, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, फिर 2020 ओलंपिक्स टोक्यो। इस बार संतुष्टि नहीं है, लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रही है, वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। जी जी, मैं 20 वो तो मुझे लाना ही है, और मेन है मुझे 30, ये मेरा दो ओलंपिक्स हो गया, मैं थर्ड ओलंपिक्स खेल के और मैं मेडल लेके आऊँ। भारत समाचार के माध्यम से जो बाकी की बेटियां हैं, जो बाकी के लोग हैं, जो हर कोई चाहता है कि मुझे सुधा सिंह, हर लड़की के मन में आता है कि सुधा सिंह बनना है, भारत समाचार के माध्यम से मैं समझना चाहूंगी क्या मैसेज, क्या उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज है जैसे मैंने आपको बोला कि वो लोग अच्छा करें और बढ़िया करें फुल डिसिप्लिन के साथ, और जो भी उनके कोचेस हैं, जो भी मतलब जो उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, चाहे वो कैसा भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल को हो, स्टेट लेवल को हो, या इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, जो कोच कराए आप उन पे ही ध्यान करके करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं भी सोचती कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोच है, अगर मैं ये अच्छा नहीं करा सकते, ये सब नहीं सोचना है। अगर कुछ भी करा रहे हैं आपके भले के लिए ही करा रहे हैं, तो आप करो, बाकी तो सपोर्ट के लिए मैं हुई इस बार। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, और अब तक के अपने सफर के संघर्ष को भी बताने के लिए और लोगों के मैसेज देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भारत समाचार के स्टूडियो में आने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं, दो लाइनों में कहूंगी सुधा सिंह के लिए कि अगर देखना है इनके उड़ने का अंदाज, अगर देखना है इनके उड़ने का अंदाज, तो आसमान से कहो थोड़ा और ऊपर उठ जाए। नमस्कार।